नमस्कार साथियों सबसे पहले आप सबको और देशवासियों को नवरात्रों की उगादी की गुड़ी पड़वा की चेती चांद की नवरों की साजीबू चेरवा की क्योंकि ये नए साल के अलग अलग नाम इस देश की गंगा जमुनी तहजीब में अलग अलग हैं आप सबको और आपके दर्शकों को पाठकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय सभ्यता में नव वर्ष खुशी का दिन है पर यह वर्ष मोदी सरकार में महंगाई की पीड़ा लेकर आया है इस देश में महंगाई अब एक इवेंट बन गई है दे, देश महंगे मोदीवाद से त्रस्त और पस्त है भाजपा की चुनावी जीत देश के लोगों से लूट का लाइसेंस हो गई है और केवल अब एक अप्रैल से जो महंगाई बढ़ रही है उसका आपके ऊपर क्या बोझ आएगा वो मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा एक अप्रैल 2022 से देशवासियों के ऊपर महंगाई के पर, से पड़ने वाला बोझ है चौंकी ये मत, एक लाख पच्चीस हजार चार सौ सात करोड़ रुपया आई रिपीट द न्यू ईयर गिफ्ट

साउथ इंडिया मोदी गवमेंट मंत्रा नाउ इज इलेक्टोरल विक्ट्री इज लाइसेंस टू लूट द डिकट ऑफ द क्रूअल द कम्बसम एंड द बैक ब्रेकिंग प्राइस राइज बाय मोदी गवर्नमेंट अफेक्टिव फर्स्ट ऑफ एप्रिल हैज शैटर्ड द बजट ऑफ एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया महंगाई इज द बिगेस्ट चैलेंज टू सस्टेनेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल महंगाई इज अटैकिंग द लाइफ्स एंड लाइवलीहुड ऑफ एवरी हाउस होल्ड महंगाई इज अ कर्स इन द लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन बट महंगाई इज अ डेली इवेंट बींग सेलिब्रेटेड टू मॉक द पीपल बाय बीजेपी एंड मोदी गवर्नमेंट एंड दैट्स वाई मोदी है तो यही मुमकिन है साथियों लूटपाट की जनता की जेब काटने की जनता के बजट पर पॉकेट मारी की इस वास्तविकता और इस कठोर और कटु सत्य के कुछ पहलू मैं आपके समक्ष रख रहा हूं ये एक लाख पच्चीस हजार चार सौ सात करोड़ कैसे आते फिगर इससे ज्यादा है क्योंकि कुछ हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते टैक्सिंग द सिक्सटी टू करोड़ फार्मर बासठ करोड़ देश के अन्नदाताओं पर टैक्स का बोझ मोदी गवर्नमेंट देश के किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है कल शाम को डीएपी खाद के 50 किलो के बैग के दाम डेढ़ सौ रुपया प्रति बैग बढ़ा दिए गए यानी अब डीएपी खाद का एक बैग बारह सौ रुपया से बढ़कर साढ़े तेरह सौ रुपया प्रति बैग हो गया स्वाभाविक तौर से 50 किलो का बैग है डेढ़ सौ रुपये बढ़ाए तो तीन रुपया किलो बढ़ गया देश में एक करोड़ बीस लाख टन डीएपी खाद का इस्तेमाल देश का किसान सालाना करता है सालाना खपत है एक करोड़ बीस लाख टन यह पिछले साल का डेटा है तो एक लाख बीस करोड़ टन मल्टीप्लाइड बाय तीन रुपया एडिशनल बर्डन यानी किसान की जेब काट के डीएपी से अकेले से मोदी जी और बीजेपी वसूली कर रही है छत्तीसों करोड़ तीन हजार छह सौ करोड़ अब एनपीके पे आ जाइए देश में सबसे ज्यादा खपत है क्योंकि मैं खुद किसान हूं यूरिया की फिर डीएपी और एनपीके की यह लगभग बराबर है एनपीके यूरिया से डीएपी थोड़, से थोड़ा ज्यादा एनपीके के 50 किलो के एक कट्टे का दाम एक बैग का दाम बारह सौ नब्बे रुपया से बढ़ाकर कल चौदह सौ रुपया कर दिया यानी एनपीके के पचास किलो के एक बैग में एक सौ दस रुपये का की बढ़ोतरी मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी ने की देश में लगभग सत्रह मिलियन टन एनपीके का सालाना किसान इस्तेमाल करता है एनपी के खाद का तो बढ़ोतरी हुई दो रुपया बीस पैसे प्रति किलो जब एक सौ दस रुपया पचास किलो के बैग में बढ़ाएंगे तो, तो बढ़ोतरी हुई तीन हजार सात सौ चालीस करोड़ थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी करोड़ तो अकेले खाद खाद की बढ़ोतरी से अगर मैं आपको कैलकुलेट करूं सात हजार तीन सौ चालीस करोड़ रुपया की वसूली अकेली डीएपी और एनपी के खाद में बढ़ोतरी से इस देश के बासठ करोड़ अनदाताओं से मोदी सरकार ने कल एक अप्रैल से लागू कर दिया दूसरा हिस्सा आजकल पेट्रोल डीजल के की कीमत बढ़ने का गुड मॉर्निंग गिफ्ट मोदी जी देते हैं हर रोज हर रोज गुड मॉर्निंग गिफ्ट चाय की प्याली बाद में और पेट्रोल डीजल की कीमत पहले गुड मॉर्निंग गिफ्ट मिलता है आज दसवीं बार पिछले बारह दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है पिछले बारह दिन से लगातार बढ़ रही है दस बार बढ़ चुकी बारह दिन में तो केवल आप यही मान लीजिए यही पिछली जो दस बार बढ़ी है बारह दिन में ये आज के अस्सी पैसे मिलाकर बढ़ते हैं सात रुपया बीस पैसे प्रति लीटर एम आर आईट right? सेवन so, रुपीज ट्वेंटी पैसा सेवन रुपीज ट्वेंटी पैसा इंक्रीज फॉर माय फ्रेंड्स ऑन द राइट साइड हु इन टेन डे इन टेन टाइम्स इन ट्वेल्व डेज पर लीटर अब भारत सरकार का पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का आप सब जानते हैं जिसे पीपीसीए कहते हैं उनके मुताबिक पिछले साल जो चला गया 2020-21 में 21-22 का आंकड़ा अभी लगाया नहीं है उसमें 15 परसेंट और बढ़ोतरी है पर 2021 में पेट्रोल की जो खपत देश में हुई वो है सत्ताईस हजार नौ सौ उनहत्तर थाउजेंड मीट्रिक टन As per the petroleum planning and analysis cell of Ministry of Petroleum Government of India, the consumption of petrol in the year 2020-21 was 27,969,000 metric tons multiplied by a simple 7 rupees 20 pesa. And the additional burden on you, on me, ऑन यर व्यूअर्स ऑन योर रीडर कम्स टू 20,138 करोड़ केवल पिछली 12 दिन में जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है उनका सालाना अतिरिक्त खर्चा साधारण व्यक्ति नौकरी पेशा व्यक्ति गरीब किसान मजदूर आप सब पत्रकार समेत आपकी जेब से निकाल रहे हैं मोदी जी बीस हजार एक सौ अड़तीस करोड़ डीजल पर आ जाइए भारत सरकार के इसी पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल ने साल 2020-21 की डीजल की खपत भी लिख के दी है यह सार्वजनिक डेटा इस साल 15 परसेंट और बढ़ेगा सो आई एम एनी वे टेलिंग यू 15 परसेंट लेस बिकॉज दिस ईयर विल बी 15 परसेंट ऑफ इवन मोर देन दैट वोट हैव टोल्ड यू पिछले साल डीजल की खपत थी बहत्तर हजार सात सौ तेरह थाउजेंड मीट्रिक टन द कंजम्पन ऑफ डीजल इन दर ट्वेंटी 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 वन वॉज एज पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेवेंटी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टीन मीट्रिक टन मल्टीप्लाइड बाय सेवन पैसा और लोगों पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा किसान की मजदूर की गरीब की ऑटो वाले की टैक्सी वाले की ट्रैक्टर वाले की थ्री व्हीलर फोर व्हीलर चलाने वाले की स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाले की जेब से जो पैसा निकलेगा दैट इज बावन हजार तीन सौ तिरपन करोड़ सालाना मोदी जी इज गोइंग टू टेक अवे भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू टेक अवे फिफ्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी थ्री करोड़ year only by 7 rupees 20 paisa increase in diesel. So if I was to tell you the additional burden of, of only diesel and petrol uh, placed on you it comes to 72,491 crore or, or 72,500 crores. Simple calculation. नेक्स्ट द बॉडी ब्लो ऑफ एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइसेस। ऐसा लगता है मोदी जी इस घर के और भारतीय जनता पार्टी इस देश की महिलाओं की दुश्मन है घर के बजट की भी भारतीय जनता पार्टी दुश्मन बन गई है दुश्मन के नजरिए से देखती पहली अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर कल ढाई सौ बढ़ा दिया आप सबने अपने टेलीविजन पर चलाया अखबार में लिखा पिछले दो महीने में यह तीन रुपया बढ़ चुका है केवल पिछले दो महीने में मार्च फेबर मार्च के अंदर यह दो तीन रुपया बढ़ चुका है पिछले आठ साल में आठ रुपया बढ़ चुका है अब तो पकोड़े तलना भी मुश्किल हो गया मोदी जी कहते थे पकोड़े तलो कहां से पकोड़े तलें बाहर खाना मुश्किल हो गया रेड़ी पर खाना मुश्किल हो गया अब आ जाइए घर का गृहिणियों का हमारी बहनों का माताओं का उनका गैस सिलेंडर 22 मार्च 2022 को पचास रुपया बढ़ाया और अगर मैं सितंबर और अक्टूबर का रेट भी मिला लूं जो दो बार बढ़ाया था तो एक सौ रुपया घर का गैस सिलेंडर रसोई का गैस सिलेंडर बढ़ चुका एक रुपया कमर्शियल अब छोड़ दीजिए भारत सरकार के पेट्रोलियम इसी मंत्रालय पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक पिछले साल इस साल तो और बढ़ेगी खपत पिछले साल एलपीजी की जो खपत हुई थी वो थी सत्ताईस हजार तीन सौ चौरासी थाउजेंड मीट्रिक टनस The consumption of cooking gas last year, 2020-21, was 27,384,000 metric tons. This is Modi ji's government's figure. Multiply it by 140 rupees 50 pesa, which is the last three increases only in five months. Not too much. I am not saying calculate from 400 onwards. No, no just calculate last four months and the additional burden on people from cooking gas alone will be 27095 crore it's a simple figure the consumption per year multiplied by 140 rupees 50 paisa which is the last three increases from September 2021 to 1st April 2022, it comes to 27,095 crore. So, from petrol, diesel, and cooking gas, only these current increases, Modi government is earning. 99,586 करोड़ गो फर्दर सी पर हमला अगला हमला सी पर बोल रखा है अब पेट्रोल डीजल लोग दे खरीद नहीं सकते इसलिए किसी ने अपनी छोटी कार में एक सी एन का सिलेंडर लगवा लिया कोई सी का ऑटो चलाता है सीएनजी की टैक्सीज हैं सीएनजी के बस हैं सारी सीएनजी के ट्रक हैं सीएनजी का रेट बढ़ेगा तो बस का भाड़ा भी बढ़ेगा सीएनजी का रेट बढ़ेगा तो ऊबर ओला का रेट भी बढ़ जाएगा सीएनजी का रेट बढ़ेगा तो टैक्सी का रेट भी बढ़ जाएगा सीएनजी का रेट बढ़ेगा तो थ्री व्हीलर फोर व्हीलर का रेट बढ़ जाएगा माल भाड़ा बढ़ जाएगा सी पर क्या हमला हुआ है वो भी देख लीजिए कल एक अप्रैल को मोदी जी ने 80 पैसे प्रति किलो सीएनजी के बढ़ा दिए केवल इस मार्च मार्च के महीने में सीएनजी के रेट जो चार बार बढ़ा तीन बार बढ़ाए छह बार बढ़ाए हैं वो बनते हैं चार रुपया किलो केवल एक मार्च से इकतीस एक अप्रैल 2022 तक केवल तीस दिन तीस दिन में सीएनजी के रेट चार रुपया किलो बढ़ गए सीएनजी की भारत सरकार के मुताबिक सालाना कंजम्पशन है तीन हजार दो सौ सैतालीस थाउजेंड मीट्रिक टन ये मैं नहीं कह रहा ये भारत सरकार बताती है। तो अगर चार रुपया से गुना करें तो चौदह करोड़ रुपया आपकी जेब से निकाल लिया चौदह सो करोड़ रुपए की महंगाई सीएनजी से अब सब पीएनजी एनजी पाइप नेचुरल गैस घर में जो जो पुरुष महोदय यहां बैठे हैं और आपके दर्शक पाठक देख रहे हैं जो उनसे पूछिए धर्म पत्नी से घर में पाइप नेचुरल गैस है सब जगह इस देश में नवासी लाख 89 लाख पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है इस समय और पाइप नेचुरल गैस के बारे में कल शाम को एक तोहफा मोदी जी ने और दे दिया पांच रुपया पचासी पैसे प्रति एस पाइप नेचुरल गैस बढ़ा दी और उससे पहले 24 मार्च को एक हफ्ता पहले एक रुपया बढ़ाई थी तो सात दिन में छ रुपया प्रति एस पाइप नेचुरल गैस बढ़ा दी भारत सरकार यह कहती है कि एक घर एक महीने में इन नवासी लाख घरों में पंद्रह एस गैस इस्तेमाल करता ये पीएनजी कंपनीज कह रही हैं मैं नहीं कह रहा तो अगर पंद्रह एस करते हैं करते और छह रुपया बढ़ गए और नवासी लाख घर हैं तो सीधा सीधा जो आपके ऊपर खर्चा आया है वो है नौ करोड़ रुपया आपकी पाइप नेचुरल गैस का खर्चा अब सालाना जो देशवासियों को अतिरिक्त देना पड़ेगा वो है नौ करोड़ आगे चलिए हर आदमी के पास कार है छोटी बड़ी अब जो टोल टैक्स है इट इज बर्निंग ए होल टोल इज बर्निंग ए होल इन द पॉकेट ऑफ पीपल टोल नाउ इज बर्निंग ए होल एक अप्रैल से मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने 10 प्रतिशत से 18 प्रतिशत टोल की दरें बढ़ा दी हैं यह उन्होंने बाकायदा घोषणा की है दो हजार में गडकरी जी का मोदी जी का सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय बता रहा है कि एनुअल टोल टैक्स कलेक्शन केवल नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवेज की मैं बात ही नहीं कर रहा स्टेट हाईवे अलग रह गए केवल नेशनल हाईवे से एनुअल टोल टैक्स कलेक्शन है अट्ठाईस करोड़ रुपया गडकरी जी ने यह बयान भी दिया है कि इस साल यह चौंतीस हजार करोड़ हो जाएगी चौतीस हजार करोड़ का 18 परसेंट बनता है 6,120 करोड़ सो द एडिशनल बर्डन ऑफ टोल ऑन पीपल ऑफ इंडिया इज 6,120 करोड़ आगे चलिए ना बीमार छोड़े ना दवा छोड़ी बीमारों पर भी टैक्स और दवा पर भी टैक्स तैयार हो जाइए इस एक अप्रैल से मोदी सरकार ने 800 जरूरी दवाइयों के दाम दस पॉइंट छिहत्तर परसेंट बढ़ा दिए या 11 परसेंट लगभग 10.76 पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट वाट आर दोज मेडिसन्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग पैरासिटामोल की गोली के दाम अब 11 परसेंट बढ़ गए हैं बुखार की जो दवाई है बुखार में एंटीबायोटिक्स जाएंगे तो डॉक्टर देगा तो एजिथ्रोमाइसीप्रोफ्लोक्सीन मेट्रोनिडाजोल इनके दाम भी 11 परसेंट बढ़ गए हैं कोरोना की सारी दवाइयों के दाम 11 परसेंट बढ़ा दिए हैं ब्लड प्रेशर की सारी दवाइयों के दाम 11 परसेंट बढ़ा दिए हैं हार्ट डिजीज की दिल की बीमारी के सारे दाम 11 परसेंट बढ़ा दिए हैं स्किन डिजीज के सारे दाम 11 परसेंट बढ़ा दिए हैं खून की कमी अगर किसी बच्चे महिला में है जो अक्सर होती है तो उनके दाम भी दवाइयों के 11 परसेंट बढ़ा दिए हैं वाइटामिन और मिनरल जो बच्चा कमजोर होगा पुरुष या महिला कमजोर होगी थोड़ा वाइटामिन देते हैं उनके दाम भी 11 परसेंट बढ़ा दिए गए हैं 800 दवाइयों के दाम 11 परसेंट बढ़ा दिए गए हैं इंडस्ट्री का ये एस्टीमेट है कि जो उपभोक्ता है यानी आपके दर्शक आपके पाठक जो हैं वो अब और इस देश के एक करोड़ लोग दस करोड़ रुपया सालाना दस करोड़ सालाना अतिरिक्त इन दवाइयों का देंगे कोई तीस हजार करोड़ भी कहता है पर मैंने उसका लोअर एस्टीमेट यहां लिखा कि दस हजार करोड़ का यह खर्चा आएगा आगे चलिए मोदी जी के तोहफे अभी खत्म नहीं हुए अब साधारण व्यक्ति घर नहीं खरीद सकता क्योंकि घर अब पंद्रह परसेंट से बीस परसेंट यकायक महंगा हो गया है

स्टील प्राइस अगर आप मार्च 2021 का निकालिए और मार्च 1 अप्रैल 2022 का देखिए लगभग 30 प्रतिशत इजाफा है 30 प्रतिशत चार स्टील कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं जिनमें एक सरकारी है जिसका हिस्सा 15 परसेंट है पचासी परसेंट में तीन है मोदी जी के मित्र हैं तीनों ऐसे ही सीएनजी पीएनजी पेट्रोल डीजल हम सब जानते हैं कि सरकारी कंपनियों के अलावा तीन और प्राइवेट कंपनी कौन है जिनका शेयर बाजार में जाके देखिए पिछले पिछले तीन दिन में कितना बढ़ गया क्योंकि मोदी जी ने क्या किया एक अप्रैल से उन्हें एक तोहफा दिया माफ कीजिए मैं थोड़ा डायवर्ट कर रहा हूं जो प्राइस सरदार मनमोहन सिंह जी ने 2.90 डॉलर पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट गैस का किया था डिसाइड उसे कल से 6.10 डॉलर प्रति ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी 300 परसेंट कीमत बढ़ा के एक तोहफा दिया उनको तो नेचुरली फिर आपका सीएनजी पीएनजी पेट्रोल डीजल एलपीजी कमर्शियल गैस सब बढ़ेंगे वो क्यों नहीं बढ़ेंगे फिर एनीवे कमिंग बैक टू दिस सीमेंट जो है वो 22 परसेंट बढ़ गई है कॉपर और एल्यूमिनियम जो है कॉपर 40 परसेंट एल्यूमिनियम चालीस परसेंट बढ़ गया है। सिर्फ अगर मैं एक उदाहरण दूं स्टील प्राइस जो है पैंतीस रुपए किलो से नब्बे रुपया किलो हो गया है मार्च 2021 से मार्च 2022 तक पैंतीस रुपया किलो से नब्बे रुपया काश हम स्टील ही खरीद के रख लेते नौकरी करने की बजाय जरूरत नहीं थी और काम करने की इस देश के लोगों को मोदी जी ये बता देते तो सब पैंतीस रुपए में स्टील खरीद के रख लेते तीन सौ परसेंट बढ़ जाता फायदा किसको हो रहा है मोदी जी के उन चार मित्रों को जिनको आप सब जानते हुए परसेंट ऑफ इंडिया स्टील सीमेंट का जो एक बैग है वो सौ रुपया बढ़ गया है दोस्तों मार्च 2022 का रेट चेक इक्कीस का चेक करिए और एक अप्रैल 2022 का चेक करिए तो कहां से लोग घर खरीदेंगे और हर व्यक्ति को घर का सपना पूरा होगा कैसे आगे चलिए आप कहेंगे मैं लोन ले लूंगा आप कह सकती हैं मैं लोन ले लूंगी क्या हो गया तो अब जो आपको डिडक्शन मिलनी थी लोन पे मोदी जी ने एक अप्रैल से उसे खत्म कर दिया है आपको भी तोहफा दिया सेक्शन एट्टी डबल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को आप जैसे नौजवान पत्रकार हैं आपके दर्शक हैं बहुत सारे नौजवान हैं पहली बार जीवन में जो घर खरीद रहे हैं उनको ब्याज पर जो छूट मिलती थी वो मोदी जी ने वापस ले लिया एक अप्रैल अब आप लोन लेंगे तो कोई ब्याज पर छूट नहीं है पूरा टैक्स देना पड़ेगा तो आप कहेंगे चलो मैं लोन नहीं लूंगा मैं तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में मेरा पैसा जमा करवा दूंगा मोदी जी ने सोचा पक्का ये करेंगे तो उसका भी इलाज करो तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर भी अब एक अप्रैल से टैक्स एक अप्रैल 2022 से अगर आपने ढाई लाख रुपया से ज्यादा प्रोविडेंट फंड से कमाने की जरूरत की तो भारतीय जनता पार्टी आपको टैक्स लगाएगी इट इज नाउ सब्जेक्ट टू टैक्स जो वो एग्जम्प्ट था अब एग्जाम नहीं रहा अब उस पर टैक्स देना पड़ेगा और जो पहले से प्रोविडेंट फंड होल्डर हैं उनका ब्याज पहले से ही आठ पॉइंट प्रतिशत से 8.5 किया था आठ पॉइंट एक प्रतिशत कर दिया तो ब्याज कम कर दिया और जो टैक्स माफी थी वो खत्म कर दी बहुत बढ़िया क्या अच्छा गिफ्ट दिया है आपका जो पैसा आता है और आप सब नौकरी ज्यादातर लोग यहां नौकरी मजदूरी छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं आधार और पैन लिंकिंग का एक नया रैकेट शुरू किया है अगर आप पैन लेने जाते हैं तो मुझे लगता है उसकी कॉस्ट एक सौ पचास या एक सौ सत्तर रुपया है तो अब ये हुक्म कर दिया राजा का हुक्म आया है दिल्ली के राजा का कि आधार और पैन अब लिंक करवाना पड़ेगा नहीं करवाओगे तो आपके सब अकाउंट्स बंद अब आप कुछ नहीं काम कर सकते जब तक आधार और पैन लिंक नहीं होगा तो आधार और पैन लिंकिंग में फिर एक नया रैकेट चलाया कि अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो अप्रैल से जून तक पांच सौ रुपया जुर्माना लगेगा और मार्च 2023 तक चले गए तो एक हजार रुपया जुर्माना लगेगा नया पैन कार्ड लो तो, तो एक सौ सात रुपये का मिलता है जुर्माना पांच सौ रुपया ये साहब बहुत राजा का बहुत अच्छा हुक्म है नया पैन कार्ड की कॉस्ट एक सौ रुपया है परंतु जून तक लिंक नहीं करवाया तो जुर्माना पांच सौ रुपया है और 2023 तक एक हजार रुपया है तो तो कई करोड़ भारतीयों के पास आधार कार्ड है मेरे ख्याल से 80 या 90 करोड़ के पास कह रहे थे कि जो मोदी जी एक दिन पार्लियामेंट में बता रहे थे और शायद 20-25 करोड़ के पास पैन कार्ड है तो 25 करोड़ को पांच रुपए से गुना करके देखिए मैंने तो कैलकुलेट करके वो ऐड भी नहीं किया क्योंकि अभी तो लगना है फाइन जब आपको लगेगा फिर हम वो डेटा डालेंगे अगले साल के जो गिफ्ट आएगी उसके साथ डालेंगे अब कार खरीदने के बारे में भी मत सोचिए राजा का हुक्म आया क्योंकि मारुति सुजुकी सबसे बड़ी कार कंपनी आपको पता है सत्तर परसेंट कार हिंदुस्तान में उनकी अकेली तो उन्होंने अब चार बार इस महीने दाम बढ़ा दिए चार बार तो इसलिए आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो दो बार सोचिएगा चार बार मारुति के दाम बढ़ा दिए उसके बाद टाटा है टाटा ने अब ढाई परसेंट बढ़ाने का निर्णय कर लिया तीसरी टोयोटा कंपनी है हिंदुस्तान में उन्होंने चार परसेंट बढ़ाने का अनाउंस कर दिया और अगर खरीदेंगे तो आप कहीं इंश्योरेंस ना करवा लें इसलिए एक अप्रैल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी बढ़ा दिए मोदी जी ने अब आप कहेंगे बच आ गया तो अभी बचे हैं ना ये देखिए एलईडी की लाइट लगी है ये एयर कंडीशन लगा है पंखे हैं रेफ्रिजरेटर है आप सांस भी ले रहे हैं तो एयर कंडीशन टीवी एलईडी मोबाइल रेफ्रिजरेटर एक अप्रैल से सब महंगे एक अप्रैल से मोदी गवर्नमेंट ने एल्यूमिनियम ऑयल और, और एंड कंसेंट्रेट पर 30 परसेंट ड्यूटी लगा दी है आपको पता है कि इन सारी चीजों में 50 परसेंट तक कंपोनेंट यही है एन का ध्यान चाहूंगा सिद्धार्थ जी का तो एक अप्रैल से अब 30 परसेंट ड्यूटी है एल्यूमिनियम और कंसंट्रेट और पर तो टेलीविजन एसी रेफ्रिजरेटर सब हार्डवेयर महंगे इसके अलावा जो एसी का कंप्रेसर है वो हम कम बनाते हैं ज्यादातर उसके कंपोनेंट मंगवाते हैं तो उसके ऊपर भी ड्यूटी लगा दिए तो एसी मत खरीदिएगा कूलर से काम चलाइए पर कूलर में स्टील और एल्यूमिनियम या लोहा यूज होगा वो पैंतीस से पचानवे रुपया हो गया और जो एलईडी बल्ब है उसमें छ परसेंट जो रियम्बर्समेंट ड्यूटी है वो अब एलईडी के मटेरियल पे लगेगी तो इन सब के दाम पंद्रह प्रतिशत से तीस प्रतिशत तक बढ़ जाने वाले हैं हिंदुस्तान का अब कोई नागरिक नहीं बचा दोस्तों जिसकी जिंदगी पर एक अप्रैल से बोझ नहीं पड़ेगा और जिसकी पॉकेट मारी मोदी सरकार और भाजपा नहीं करेगी कोई प्रश्न आप पूछना चाहें स्वागत है साहब पैकेज में हाथ जोड़कर कहूंगा मैंने नहीं मोदी जी ने बनाया है उन्होंने जो छुपाया था मैंने तो केवल आपको बताया है पैकेज उन्होंने दिया है इसमें अभी मैंने जो कीमतें ऐड नहीं की हैं वो मैंने घर की कीमत नहीं ऐड की क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग घर बनाएंगे मैंने आपको होम लोन की जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है वो नहीं ऐड की एक लाख पच्चीस हज़ार करोड़ में मैंने पीएफ अकाउंट का जो आप पर टैक्स लगाएंगे उसकी भी नहीं ऐड की कीमत मैंने आधार पैन का पैसा भी ऐड नहीं किया मैंने आपकी कार अगर आप खरीदेंगे तो उसकी जो एक्स्ट्रा कीमत है वो भी ऐड नहीं की मैंने आपके टीवी एसी रेफ्रिजरेटर एलईडी मोबाइल उनकी कीमतें भी अभी ऐड नहीं की यह ना ऐड करो तो खर्चा आएगा आपका एक लाख पच्चीस हजार चार सौ सात करोड़ बीस लाख रुपया जैसा मैंने कहा था भाजपा की चुनावी जीत अब इस देश में लूट का लाइसेंस बन गई है चुनाव तक कीमतों में ब्रेक लगाते हैं हिंदू मुसलमान करवाते जाते हैं और उसके बाद जनता की जेब लूटने लग जाते हैं हाँ एक बात माननी पड़ेगी मोदी जी और भाजपा की एक मामले में वो धर्मनिरपेक्ष हैं वो हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते वो महंगाई है अकेले मुसलमान पर नहीं हिंदू पर भी लगाते हैं और बराबर लगाते हैं अब ये अलग बात है कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है सारा पैसा हमें ही देना पड़ता है तो इस मामले में मोदी जी धर्मनिरपेक्ष भी हैं। महंगाई के मामले में वो धर्मनिरपेक्ष वो धर्म नहीं देखते जात नहीं देखते क्षेत्र नहीं देखते सब पर बराबर लगाते और इसीलिए एक लाख पच्चीस हजार चार सौ सात करोड़ से अब आपकी जेब लूटी है सच्चाई ये है मेरे साथी सत्ता का अहंकार सत्ता में बैठे हुक्मरानों के सर चढ़कर बोल रहा है क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई है कि देश को धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है धर्म के आधार पर बांटिए पूंजीपतियों की जेब में पैसा डालिए वो पैसा चुनाव में इस्तेमाल करिए और लोगों को बेवकूफ बनाइए वो ये कर रहे हैं ये कड़वा सत्य देश के मुख्य न्यायाधीश ने जो गहन और गंभीर चिंता व्यक्त की है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ईडी इनकम टैक्स किस प्रकार से अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता दोनों खोकर भाजपा के पिट्ठू बन गए हैं उसको लेकर हम भी उससे अपने आप को जोड़ते हैं सच्चाई क्या है सीबीआई अब कैप्टिव ब्यूरो ऑफ बीजेपी इन्वेस्टिगेशन है अपने जिस विरोधी पर चाहेंगे वो छोड़ देंगे ईडी क्या है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी इनकम टैक्स क्या है भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों की प्रताड़ना का एक झुंझुना जुन तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स अब मोदी सरकार के पिट्ठू बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब जब चुनाव आते हैं मोदी जी से पहले सीबीआई ईडी इनकम टैक्स जाते हैं मैं मुख्य न्यायाधीश जी को भी देश के एक नागरिक के तौर पर कहूंगा केवल अदालत में बैठकर चिंता व्यक्त करने से माननीय न्यायाधीश जी कुछ नहीं होने वाला जब तक मुख्य न्यायाधीश संज्ञान लेकर संवैधानिक शक्तियां जो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं उनका इस्तेमाल कर सरकार के इन पिठुओं पर कानून और संविधान का अंकुश नहीं लगाएंगे बातें करना व्यर्थ है तो उन्हें भी अपने अंतकरण में झांक कर अपनी संविधानिक जुम्मेवारी पर ध्यान देने की जरूरत है मी आंसर टू यू माई फ्रेंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टरडे एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न अबाउट द एब्सल्यूट एंड टोटल सब्जुगेशन ऑफ सी बी आई ई डी एंड इनकम टैक्स एट द ऑल्टर ऑफ आई एट दैट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड मोदी गवमेंट्स इलेक्टोरल मशीन द ट्रूथ For CGI must understand, and it is there for every citizen to see, that CBI, ED, and income tax are stooges of BJP and Modi government to be unleashed against electoral opponents. That's why CBI's new name is Captive Bureau of Investigation for BJP Political Settlement Affairs. ईडी हैज बिकम इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी एंड आई टी हैज बिकम ए टॉय एप्लाएबल टॉय इन दैंड ऑफ द गवमेंट टू बी अनलिस्ट अगेंस्ट इट्स ओपोनेंट्स नाउ वेन मोदी जी एंड बीजेपी गो टू फाइट एन इलेक्शन द फर्स्ट पीपल टू अराइव आर सी बी आई ई डी एंड इनकम टैक्स that's the truth and i as a citizen of india urge upon the honourable chief justice of india that speaking, speaking in strong language sitting in the honourable court alone is insufficient when constitution and rule of law is being trampled upon by those sitting in the citadels of power the Honorable Chief Justice and his companion judges of the Supreme Court will have to walk further, exercise their duty under Article 136 of the Constitution, and if necessary, put, curb, and punish CBI, ED, and income tax. फॉर एक्टिंग एज पॉलिटिकल स्टूजेस फॉर द बीजेपी एंड मोदी गवर्नमेंट आदरणीय मित्र नेपाल हमारा मित्र मुल्क है नेपाल के लोगों की तो रेजिमेंट हमारी सेना में है यह सच है कि चीन नेपाल के अंदर लगातार दखल अंदाजी कर रहा है जो चिंता का विषय है उन सब पर प्रधानमंत्री जी को संसद को और पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए था पर नेपाल के लोग और नेपाल की सरकार पारंपरिक तौर से दशकों से जब से हिंदुस्तान का गठन हुआ और हिंदुस्तान ने नेपाल के साथ मैत्री पैक्ट किया तब से वो हमारा मित्र है लोग भी हमारे मित्र हैं मुझे लगता है कि सरकार को इस बात का संज्ञान में ले लेकर गंभीरता से इसे लेना चाहिए और रेल सेवा शुरू हुई है इसका स्वागत है क्योंकि लाखों नेपाल के भाई बहन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते